ए, अपना गोश्त काय के लिए खा रही है? ए, खाने दे वरना हमारा भेजा खाएगी। भाई मैं दुनिया का आठवां अजूबा देख रही हूँ। क्या? हाँ देखो हमारी बेलन वाली बहन गाना गा रही है, देखो। तुम पर हम थे अटके यारा, दिल बीमारे झटके। हाँ यार ये तो एके हंगर के पास से AK-56 गन मिलने जैसा झटका है। मीनाक्षी मुझे बात बता, तू गाना क्यों गा रही थी? क्या मैं गाना गा रही थी? नहीं मैं कोई गाना नहीं गा रही थी, मैं अनुराधा पौडवाल की कसम खा के कहती हूँ। तू प्यार किया तो डरना वरना क्या का गाना गा रही थी। हाँ महिला मित्री, तू प्यार किया तो डरना वरना क्या का गाना गुनगुना रही थी। हाँ हाँ हो सकता है, एक्चुअली मैं सलमान खान के बारे में सोच रही थी। आ गई ना मेरी लाइफ पे। मैं शाहरुख खान के बारे में सोचती हूँ, तू सलमान खान के बारे में सोचती है। तू एक काम कर, तू आमिर खान के बारे में सोच। और तू, तेरे लिए तो साजिद खान ही ठीक रहेगा। तेरे आँख और कान ठीक नहीं है और उसकी शक्ल और जुबान ठीक नहीं है। स्टुपिड, मैं तुम्हारे एंगल से सलमान खान के बारे में नहीं सोच रही थी। तो अरे हम महिला मुक्ति वाले उसके खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं। सलमान खान के खिलाफ? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब देखो तब अपनी शर्ट उतार के अपने शरीर का अश्लील प्रदर्शन करता है। क्यों ममता कुलकर्णी और पूजा भट्ट से पेट भर गया जो सलमान का खून पीने निकले हो? हाँ उसकी बॉडी अच्छी है वो दिखाता है, इसमें तुम्हारा पेट क्यों दुखता है? तुझे पता है राधिका, वो दुनिया के 10 बेस्ट पर्सनालिटियों में आता है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जब वो अपनी शर्ट उतारता होगा ना तो ये महिला मुक्ति वाले पहले उस पे मरते होंगे। हाँ इसीलिए ये जलू लोग उसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। हाँ। आप लोगों को जो समझना है वो समझो, लेकिन हम महिला मुक्ति वाले उसके खिलाफ मोर्चा निकाल के ही रहेंगे। ठीक है तुम लोग उसके खिलाफ मोर्चा निकालो और हम लोग उस मोर्चे में एक भैंस को धतूरा खिलाकर छोड़ देंगे। ए भाई भैंस को धतूरा खिलाने से क्या होता है? भैंस पागल हो जाती है। अरे उससे अच्छा तो हाथी को धतूरा खिला के छोड़ दो। अरे हम थे उन पे अटके यारा, दिल बीमारे झटके। क्योंकि हम है हटके। अरे बच के रहना प्यार में ना पड़ जाए तुझको फटके। क्योंकि हम है भैया हटके। नीचे खामोश, अपने बाप को ऊंट बोल दिए। अरे मतलब के लिए तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, हम लोग ने तो बाप को ऊंट बनाया है। बिना जल्दी बाहर आ जाना, बिना जल्दी बाहर आ जाना, बिना। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसेंगे ना, तुम ऐसे आइटम की फरमाइश कर रहे हो जो घर में है ही नहीं। आइटम? कौन से आइटम? तुम्हारी वो बलून जैसी मोटी बीवी बीना, आइटम कोड बीवी नंबर 2। ये टेली शॉपिंग चल रहा है जो आइटम कोड बता रही है तू? बीना बीना करते करते दीवार पर टिकटिकी क्यों लगाने लगे बापू? वो जाने दो, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ गई है? सबसे पहले आप बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मम्मी घर में नहीं है? मेरे सवाल पे सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। कोई जबरदस्ती है क्या? ये क्या लगा, तू अगर नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ कल काजल आपका नया शर्ट पहन के गई थी। हाँ। और मारा मारी में फाड़ कर आ गई, आपको पता चला? मेरा नया शर्ट फाड़ डाला? बाबू आप भी क्या हटेली की बात सुन रहे हो, आपके पास नया शर्ट है ही कहाँ? तुम तो 2 साल पहले दिवाली पे खरीदे हुए कपड़े को भी नया बोलते हो। ठीक है बीना कहाँ गई बताओ? पता नहीं, लेकिन वो पप्पू का फोन आया था, उसके बाद शर्माती बलखाती हाथों में पर्स झुलाती कहीं चली गई। बीना? मैं नहीं मानता, शायद आ गई। ओए बारी बरसी खटन गया सी ते खटके ले आंदा मीना ते बंगड़ा ता सजदा जे नचे आज खुद बीना दे बंगड़ा ता बिना, तू कहाँ गई थी? आज तेरे बिना घर ऐसे सूना हो गया था जैसे गाने बिना हिंदी फिल्म। इसे कहते हैं औलाद, जब बाप घर में आता है तो बोलती है देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और माँ घर में आती थी बोलती है सुनना सुनना तेरे
तेरे बिना घर सुना। आप आ गए? आके पुराने भी हो गए और तुम्हें नहीं देखा उस टेंशन में काले भी हो गए। बिना तू कहाँ, बिना तू कहाँ गई थी? आप मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देख रहे हो स्वामी, जब पत्नी पति के सवाल का जवाब टाल जाए तो समझ लो मामला गड़बड़ है। आग लगा रही है क्या? डैडी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जिस तरह मम्मी ने आपके सवाल का जवाब टरकाया ना, मुझे लगता है मामला गड़बड़ है। अरे गड़बड़ वगैरह कुछ नहीं है, वो मेरे लिए चाय लाने गई है। डैडी, वैसे तो मैं फेमिनिस्ट हूँ और मर्दों के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मम्मी ने जिस तरह से आपके सवाल को टाला है ना, मुझे लगता है मामला गड़बड़ है। अरे मामला कुछ है ही नहीं तो गड़बड़ कैसे होगी? डैड, जैसे भैंस को पानी से निकलने का कंटाल आता है ना, वैसे ही मम्मी घर से निकलना टालती है। फिर भी दोपहर से गई है, अभी आई है, और कहां गई थी इस बात का भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है मामला गड़बड़ है। मैं समझ गया हूं, मैं जानता हूं आप लोग मेरे पत्नी के खिलाफ मुझे भड़का रहे हो। बापो, आपकी पत्नी अपुन की मॉम है, उसके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलता है ना तो अपुन की सटक जाती है। लेकिन जिस तरह से मॉम ने आपका सवाल टाला है ना, अपुन को लगता है मामला गड़बड़ है। तो देख लो अब मेरा रौद्र रूप। बिना, तुम क्या एको पॉइंट पर खड़े होकर मेरे नाम की आवाज लगा कर एको सुनना चाहते हो? मैं तुझे पूछना चाहता हूँ कि तू दोपहर से कहाँ गई थी? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। क्यों? मेरी मर्जी। तुम पलंग पर जितना लोटपट करते हो इतना तो प्रभु देवा डांस भी नहीं करता होगा। क्योंकि प्रभु देवा की बीवी अपने पति से छुप छुप कर बाहर नहीं जाती है। बस बस बहुत हो गया, काफी रात हो चुकी है, गुड नाइट। देखो सो गई। ये औरत है, ये डेरिंग का पोटला, ये मुझे पानी कम चाय समझती है। मेरे सवालों को ऐसे खा जाती है जैसे छोटा बच्चा दांत रगड़ते रगड़ते टूथपेस्ट खा जाता है। ये टूथपेस्ट नहीं है। ए बिना, सो गई, मुझे भी सोने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। लेकिन ये कहां गई थी ये मैं जान के ही रहूंगा। सो जाओ। स्वामी उठ गए? मेरे उठने की राह देख रही थी ना तू? जरा स्टूल पे चढ़ो। तुझे मैं जोकर लगता हूँ क्या? नहीं, मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। पैर छूना चाहती है या टांग खींचना चाहती है? अरे कैसी बातें करते हो, पति के पैर पत्नी के लिए स्वर्ग का द्वार होते हैं, उन्हें मैं कैसे खींचूंगी? कोई नया नाटक शुरू किया ना। देख, एक तो मैं रात भर सोया नहीं हूँ, इसमें तू मुझे मत भड़का, समझी? वैसे आपको मुझे कुछ कहना नहीं है। ये कहकर भी क्या फायदा, पत्थर पे पानी डालने वाली बात होगी। वैसे आप कुछ भूल नहीं रहे हो? मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरी मुराद पूरी ही नहीं होती। पक्का भूल नहीं रहे हो? नहीं। ठीक है, मुझे भूलने की तुम्हारी मुराद अब पूरी हो जाएगी। क्या मतलब? आज मेरा बर्थडे है और अगर तुम्हें याद नहीं है ना, तो घर में किसी को याद नहीं होगा। मुझे लगता है इस घर में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। कहा सुना माफ कर देना, वरना जो कुछ बन पड़े वो कर लेना। आज तेरा बर्थडे, मैं भूल ही गया। सॉरी यार, ए लेकिन तू ऐसा मत करना, क्या पहले से बिना मेरे से रहस्यमय तरीके से पेश आ रही है, इसमें अगर तू छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, है ना? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। मैं तो चली। ए नहीं नहीं नहीं, क्या है मेरा सर पे इतना टेंशन है ना कि मुझे मेरा बर्थडे याद देख, मैं तेरा कहां से याद रखूं। लेकिन घर में किसी ना किसी को तो याद होगा ना? नहीं, मैं नहीं मानती। अरे बच्चों में से किसी को तो याद होगा ना?
हाँ, अगर बच्चों में से किसी को याद होगा ना तो मैं यहाँ रुकूंगी, वरना नहीं रुकूंगी। नहीं नहीं नहीं, इतनी कठोर शर्त मत रख, प्लीज प्लीज। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। वैसे भी तो तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ू, वो घड़ी आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वो तो मैं मजाक करता हूँ, मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। इंसान जैसे दो हाथों के बगैर अधूरा है, वैसे मैं तुम्हारे और बिना के बिना अधूरा हूँ। तो फिर इसलिए मेरा बर्थडे भूल गए ना? हाय डैडी। अरे वाह, और मीनाक्षी, आज एकदम खुश नजर आ रही है। डैडी, आज बात ही खुशी की है। अरे ऐसा क्या खास है आज? बोलो बोलो, क्या है खास? डैडी पूछो ही मत। हाँ, बोल बोल। आज का दिन मेरे जिंदगी में बहुत बहुत मायने रखता है। अच्छा, मैं वजह जान सकता हूँ? डैडी बोल। हमारी महिला मुक्ति की एक मेंबर है, दामिनी देवी। दामिनी देवी? अच्छा, मैं दामिनी देवी। अरे उसने तो कमाल कर दिया। कमाल कर दिया? कमाल कर दिया, क्या कर दिया कमाल? डैडी, उसका पति रोज शराब पी के आता था और गाली गलौज करता था। अच्छा? कल रात भी वो शराब पी के आया। हाँ? लेकिन दामिनी ने क्या किया पता है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो वहाँ नहीं था ना। तू बोल, तू बोल, तू। अरे जैसे उसने गाली दी, हाँ? दामिनी ने उसे एक खींच के थप्पड़ मार दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, पति को थप्पड़ मारा। क्यों? पति अगर पत्नी पे हाथ उठा सकता है तो पत्नी पति पे हाथ क्यों नहीं उठा सकती? ठीक है, इसलिए तू खुश है? नहीं डैडी, इतनी सी बात से दामिनी रुकने वाली थोड़ी थी। नहीं नहीं, कभी नहीं, कैसे रुकेगी वो, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके पति ने उसे मारने के लिए बेल्ट निकाली। हाँ? हाँ, तो दामिनी ने उसके हाथ से बेल्ट छीन ली, उसको पलंग से बांध दिया और पूरी रात उसको पीटती रही। ये तुम्हारी दामिनी पहले चंबल में रहती थी क्या? नहीं डैडी। नहीं है क्या? आगे सुनो ना क्या हुआ। आगे भी है? हाँ। बोलो बोलो। सुबह क्या हुआ पता है? क्या होगा, सुबह लोग जो करते हैं वो क्या होगा? नहीं डैडी, सुबह उसका पति एक चिट्ठी छोड़ के गया। अच्छा? कि मैं अपनी पत्नी के अत्याचारों से तंग आके घर छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब वो पट्टा मारकर पति से हाथ धो बैठी। डैडी, पति तो दूसरा भी मिल जाएगा। हा? लेकिन आज तक सिर्फ पत्नियां ही पति का घर छोड़ के गई है। ये पहली बार हुआ कि पति एक पत्नी का घर छोड़ के गया है। वाह 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 वाह। इसलिए हम महिला मुक्ति वालों ने इस दिन को मुक्ति दिन बनाया है। अच्छा? और हम दामिनी देवी का जाहिर सत्कार करने वाले है। हा, 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 हा। इसलिए तो आज बहुत खुश है। हाँ डैडी, बाय। बेटी 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 बेटी, बेटी। चलो, एक को तो याद नहीं है। वो देखो राधिका आ रही है, उसे जरूर याद होगा। हर फालतू बात याद रखने की उसे आदत है, वो तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती है? क्या? नहीं नहीं यार, राधिका बेटी जरा यहाँ तो आना। तू वो मम्मी को नमस्कार क्यों कर रही थी? अरे डैड, आज के दिन मम्मी को नमस्कार नहीं करूंगी तो कब करूंगी? तो तुझे याद है? ऑफ कोर्स डैड, मुझे याद है, कैसे भूल सकती हूँ? बोलो बोलो, क्या याद है तुम्हें, बोलो। अरे आज मेरा रिजल्ट निकल रहा है, मम्मी का आशीर्वाद लेकर जाऊंगी तो मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके बाय बाय बाय। ओके बाय। चलो, दूसरी विकेट भी गई। गाना तू क्यों गा रही है? मारे खुशी के डैड। तू क्यों खुश है बेटी? डैडी, आज मेरे लिए दिन उतना ही महान है जितना सूरज बड़जात्या के लिए मैंने प्यार किया के रिलीज का डे था। डैडी, वैसे आप मैंने प्यार किया जानते हैं? हाँ। उसमें वो जो कबूतर था उसको जानते हैं? हाँ। मुझे उसका पता ला के दे सकते हो? क्यों? डैडी, मुझे शाहरुख जी को थैंक्सगिविंग लेटर भेजना है। किस खुशी में? अरे आपको पता है क्या? कल रात को ना सपने में मैं शाहरुख जी के बर्थडे पार्टी पे गई थी और शाहरुख जी ने अपने हाथों से मुझे केक खिला के कहा, स्वीटी ये केक तेरे मुंह में जाते ही तेरे जैसे स्वीट हो जाएगा, इसके लिए मैं ये गाना गा रही थी। अच्छा 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 अच्छा। डैडी प्लीज, आप मुझे वो कबूतर का पता ला के ही दो प्लीज।
क्यों नहीं क्यों नहीं? हाँ। वो दादर मालूम है? हाँ। दादर के पास कबूतर खाना मालूम है? हाँ, हाँ, हाँ। वो कबूतर खाने में तीसरे पिंजरे में चौथे रूम में वो कबूतर रहता है। डैडी शेक हैंड, यू आर द ग्रेटेस्ट। मैं चली। कहाँ? शाहरुख के पास? नहीं, कबूतर खाने के पास। ए, हंस क्या रहे हो? मेरी विदाई की तैयारी करो। नहीं नहीं, वो छोटी तो घर पे नहीं है, लेकिन काजल तो बाकी है, उसे जरूर पता होगा। हिलना मत, वरना ये छुरी आपके आर पार कर दूंगा। क्या कर रही तू पागल? है, डर गए ना? अरे बापू, ये तो केक काटने का छुरी है। केक काटने का छुरी? तुझे याद है? ए, मुझे एक बात बता, तू छुरी इस वक्त क्यों लाई है? अपुन के एरिया में एक छुरी के धंधे वाले ने नया दुकान डाला, तो भाई लोग को गुड लक के लिए कुछ तो देना पड़ता है ना, तो उसने अपुन को ये छुरी दे डाला। अरे लेकिन नई दुकान खुलने के बाद हम लोग खरीदते हैं। बापो, भाई लोग का उसूल है, वो कभी कुछ देते नहीं, सिर्फ लेते हैं। ये क्या कर रही तू? केक काटने का प्रैक्टिस। इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है। चलो जानू, मैं चलती हूँ। कहा सुना, माफ कर देना, लेकिन अगर याद मेरी आए ना तो मिलने की दुआ मत करना। नहीं नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया कि इस घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं है। एक मिनट है, लगता है छुट्टी आ गई। मैं इंतजार करूं, ये दिल निशार करूं। अरे कैसे एतबार करूं, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। ये बिना जी का घर है? नहीं, यहाँ कोई बीना बीना नहीं रहती। चलो। ए पागल, क्या बकती है तू? बीना है नहीं तेरी माँ? अरे हाँ यार, वैसे तो लोग बाप का नाम लेके आते थे, ये पहले माँ की इंक्वायरी आई है। ओ भाई साहब, यहाँ आइए। चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, इधर आओ। बोले क्या काम है? मुझे बीना जी से जरूरी काम है। अच्छा? हाँ जी। देखो मैं उनका पति हूँ, बोलिए क्या काम है? मुझे बोलिए। मुझे उनसे ही काम है। बोलो। इससे पता चल सकता है कल मम्मी कहाँ गई थी। अच्छा? देखो, बिना कुछ काम के लिए बाहर गई है, आप मुझे बताइए क्या काम है? बात यह है, है कि आज आपके स्वर्गीय पत्नी का जन्मदिन है। हाँ, तो फिर? तो उनकी आत्मा की शांति के लिए बीना जी ने हमारे आश्रम में एक पूजा रखी हुई थी, तो उसी का प्रसाद लेकर आया हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, चलो निकलो अभी। बीना, बीना, बीना जरा जल्दी बाहर आना। बीना, क्या है, क्यों बुलाया है मुझे? बीना तुम महान हो। कल मैं कहाँ गई थी वो नहीं बताया इसलिए? नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे पता चली गया, लेकिन बीना तूने अपने सौतन के लिए पूजा रखी? देखो, उनको मैं अपनी सौतन नहीं मानती, अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, समझे? ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैं कहाँ गई थी? वो तो मुझे पता चली गया। मुझे कुछ जलने की बात आ रही है। अरे अरे, किचन में मेरी दाल जल रही है। अरे, मैंने दिल जलते हुए देखा है, दाल जलते हुए कभी नहीं देखी। मैं जा रही हूँ। चलो मैं चलती हूँ। क्यों? बीना को तो तुम्हारा बर्थडे याद था ना? वही तो दुख की बात है ना, सौतन को याद है, सबों को याद नहीं रहा। और दुख की बात है ये, अब मैं नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती? हाँ, नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सौतन की कसम। हाय जालिम, ऐसी कसम दिलवा देना कि अब मैं कदम नहीं उठा सकती। थैंक यू, मेनी हैप्पी न्यू ईयर टुडे। पूरा पूरा विश करोगे, तोहफा नहीं दोगे? क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? एक चुम्मा दो।